टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो सबसे बहुचर्चित और सभी का जिसको इंतजार था, फाइनली कल जो है स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है और जो है सत्यापन अगले माह होगा। जिन जिन अभ्यर्थियों का हुआ है उनको शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ वो अगले एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कल जो है रिजल्ट जारी हुआ, और उसके अलावा लगभग 2 गुने अभ्यर्थियों को, जी हाँ, करीब 916 पोस्टेज के लिए करीब 2 गुने अभ्यर्थियों को यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तमाम जो पोस्टेज थी उसके लिए आप देख सकते हैं जनरल की जो कट ऑफ रही है वो जो है जो मेन कट ऑफ ओपन की रही, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 84 के आसपास रही, और लास्ट जो जनरल की कट ऑफ रही वो 67 पे जो है आके अटक गए। तो इस तरह से मेरिट तो काफ़ी हाई रही, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि रिवाइज्ड आंसर की भी आयोग ने जारी की है, जहाँ से काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि 10 क्वेश्चन के लिए उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन एक ही क्वेश्चन जो है आयोग ने यहाँ पर डिलीट किया है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम जो आपके लिए खबर लेके आए हैं वो ये लेके आए हैं कि आपको जैसे पता हो हमने एक खबर आपको दी थी कि 9 तारीख को 18 अभ्यर्थी कोर्ट गए थे जो कि डिबार हुए थे, जिसमें से 4 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था। लेकिन जो बड़ी खबर है वो इस वक्त की है कि नकल के आरोपी इस बार कट ऑफ भी नहीं जुटा पाए। जैसे कि आपको पता है कि जो मिनिमम कट ऑफ होती है जनरल के लिए 35% मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, तभी आपका जो है नाम जो है लिस्ट में आएगा। इस तरह आप देखते हैं स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में नकल के आरोपी अभ्यर्थी इस बार न्यूनतम कट ऑफ भी नहीं जुटा पाए। इससे पहले वन दरोगा परीक्षा में भी 339 नए युवाओं का चयन हो चुका है। पिछली बार दिसंबर 2021 में आयोजित उक्त परीक्षा में नकल की पुष्टि के बाद आयोग ने 210 अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल कर दिया था, लेकिन 18 अभ्यर्थी कोर्ट जाकर 9 जुलाई को आयोजित परीक्षा में बैठने के आदेश प्राप्त करने में कामयाब रहे थे। लेकिन अब रिजल्ट में उक्त उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 अभ्यर्थियों ने ही केवल एग्जाम दिया था, लेकिन आयोग के अध्यक्ष GS मार्तोलिया ने बताया कि उक्त चारों इस बार न्यूनतम कट ऑफ भी नहीं जुटा पाए हैं, जबकि आयोग ने उपलब्ध पदों के मुकाबले दोगुनी मेरिट जारी की है। इससे पहले वन दरोगा में भी पुनर्परीक्षा में लगभग 339 नए युवाओं का चयन हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मामला रहा है। इसे स्पष्ट हो जाता है कि पिछली भर्ती में कितनी बंपर मात्रा में जो है नकल हुई थी। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।